Hi kids, welcome to your SST class and I'm your teacher and mentor Ananya and I'm back with a new chapter in your book that is Jellybean Journeys in Social Studies by Brainroot Publication. And today we are going to start the book 5 of this series, alright? We will begin with chapter number 1, alright? And the title of the chapter is Globes and Maps. Okay, so let's begin. What all we are going to study in this chapter? क्या क्या पढ़ेंगे हम? We will be studying about the shape of the earth, कि हमारी पृथ्वी किस shape की है? Maps, कि maps क्या हैं? ठीक है? Apart from that, we will study about globe, signs and symbols, directions and scales and colors in map. मतलब एक मैप को स्टडी किस तरीके से करते हैं, अलग अलग सिंबल्स क्या हैं, अलग अलग साइनेजेस क्या हैं, व्हाट आर द वेरियस कलर्स यूज फॉर डिफरेंट रिलीफ फीचर्स, ऑल दिस वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. ठीक है, लेट्स बिफोर वी प्रोसीड टू द चैप्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डू सम वार्म अप एक्सरसाइज. लेट्स रिट्राइव द नेम ऑफ सम कंट्रीज हैव बीन गिवन बिलो. With the help of a globe, find out which country is nearest to India and which is the farthest. यानी हमें क्या करना है, हमें एक globe लेके बैठना है. ठीक है, और फिर यहाँ जो countries के नाम दिए हुए हैं, there are 6 countries, Armenia, Bangladesh, Indonesia, Austria, Belgium and Bahamas. तो हमें इनमें से जो countries India के पास है, उनको नियरेस्ट कंट्री के पास लिखना है और जो इसमें से दूर है उसे हमें फार्देस्ट कंट्री में लिखना है. ठीक है, सो नियरेस्ट इज बांग्लादेश, फार्देस्ट आप पता कीजिए. ठीक है, वन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द आंसर. फॉर नियरेस्ट इट इज बांग्लादेश, फॉर द फार्देस्ट यू हैव टू सी द ग्लोब एंड फाइंड आउट. ऑलराइट, सो नाउ लेट्स प्रोसीड टूवर्ड्स द चैप्टर. शुरू करते हैं नया चैप्टर ग्लोब और मैप. सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्लोब के शेप के बारे में, और उसको पढ़ने से पहले ज़रूरी है कि हम हमारी पृथ्वी के शेप को अच्छे से समझ लें. ठीक है, हमारा जो अर्थ है, जो प्लैनेट है, उसके शेप को समझना बहुत ज़रूरी है. सो लेट्स बिगिन. शेप ऑफ द अर्थ. इन अर्ली टाइम्स इट वॉज बिलीव दैट अर्थ इज़ फ्लैट इन शेप. पहले जब लोगों ने इतनी रिसर्च नहीं की थी, लोगों को इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, तब सभी लोगों का मानना था कि अर्थ गोल नहीं है बल्कि कैसी है, फ्लैट है. ठीक है, ड्यू टू द रीजन दिस रीजन सेलर्स नेवर वेंचर टिल द कोस्ट ऑफ फॉर द फियर ऑफ फॉलिंग ऑफ द एज ऑफ अर्थ, फ्लैट सर्फेस ऑफ अर्थ. फर्डिनेंड मैगेलन अ पोर्टुगीज एक्सप्लोरर along with several other sailors started sailing from Spain. तो क्योंकि लोग ऐसा मानते थे कि अर्थ फ्लैट है, तो सबको क्या डर लगता था कि अगर वो समुंदर के किनारे तक जाएंगे तो वो शायद गिर जाएंगे. ठीक है, यहाँ पे जो वर्ड आया है, दिस वर्ड इज एज, और एज का मतलब होता है किनारा. ठीक है, सो सबको डर लगता था कि किनारे पे पहुँच के तो वो गिर जाएंगे, इसीलिए कोई डर के मारे समुंदर में तैरने की कोशिश ही नहीं करता था और ना ही शिप या बोट को तैराने की कोशिश करता था. कई सालों बाद फर्डिनेंड मैगेलन, एक पोर्टुगीज एक्सप्लोरर, एक नया वर्ड सीखा हमने, एक्सप्लोरर. एक्सप्लोरर का मतलब जो अलग अलग जगह को एक्सप्लोर करते हैं, यानी नई नई जगहों की खोज करते हैं. ठीक है, तो वो एक पोर्टुगीज एक्सप्लोरर थे जो अपने और सेलर्स के साथ धीरे धीरे समुंदर में बोट को और शिप को लेके घूमने निकले. आफ्टर 3 ईयर्स द सेलर्स केम बैक टू द सेम प्लेस फ्रॉम देयर दे स्टार्टेड. और 3 साल बाद ये सभी लोग चक्कर लगाने के बाद वापस उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए जहाँ से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी. इन दिस वे ही प्रूव दैट अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप बट नॉट परफेक्टली राउंड. और इसी के बाद उन्होंने ये प्रमाणित किया कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल शेप में है. आपने स्फेयर देखा है ना,
स्फेयर कैसा होता है? स्फेयर कम्प्लीटली राउंड नहीं होता है, राइट? वो थोड़ा सा अनइक्वल होता है. राउंड शेप में तो सारे पॉइंट्स इक्वल होते हैं, कम्प्लीट प्रॉपर सर्कल बनता है. बट स्फेयर हल्का सा राउंड दिखता ज़रूर है, लेकिन कम्प्लीट राउंड नहीं होता है, थोड़ा सा वेरिएशन उसमें होता है, ठीक है? सो दैट इज़ व्हाई ही सेड दैट अर्थ इज़ स्फेरिकल इन शेप, ठीक है? स्फेरिकल इन शेप बट नॉट परफेक्टली राउंड. द एक्सट्रीम नॉर्थ एंड एक्सट्रीम साउथ पॉइंट्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड द पोल्स. जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं अर्थ के, यहाँ पे और यहाँ पे, इन्हें हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल के नाम से जानते हैं, ठीक है? देयर इज नॉर्थ पोल एट द टॉप एंड साउथ पोल एट द बॉटम. यहाँ पे नॉर्थ पोल होता है, जिसको हम NP से शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, और यहाँ पर साउथ पोल होता है, जिसको हम SP यानी साउथ पोल शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है? एट द बॉटम लोकेटेड एन इमेजिनरी लाइन नोन एज एक्सिस. अब हमारा जो अर्थ है वो एक इमेजिनरी लाइन के ऊपर रोटेट करता है, ठीक है, घूमता है. तो इस इमेजिनरी लाइन को, इमेजिनरी मतलब जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ हमने अपनी सुविधा के लिए एक लाइन इमेजिन कर ली है, ठीक है? देयर इज़ अ डॉटेड लाइन. हम एक ऐसी डॉटेड लाइन पे अर्थ जो है रोटेट करता है, इसको हम बोलते हैं एक्सिस. इसको क्या बोलेंगे हम? एक्सिस. तो अर्थ जो है अपनी इस एक्सिस पे रोटेट करता है, घूमता है, चक्कर काटता है, ठीक है? सो अगर कोई आपसे पूछे कि हाउ डज अर्थ रोटेट, या फिर व्हाट इज एन एक्सिस, इट इज एन इमेजिनरी लाइन ऑन विच अर्थ रोटेट्स, ठीक है? समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं. इंटरप्रिटेशन, द अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल, दैट इज व्हाई इट इज रेफर्ड टू एज जियोइड. अब एक चीज जो काफी लोगों को नहीं पता है, वो आपको जाननी है कि अर्थ जो है पोल्स की तरफ पूरा कंप्लीटली राउंड नहीं है, वो हल्का सा फ्लैट है, ठीक है? हल्का सा फ्लैट है. जैसे आपने एप्पल देखा है, एप्पल क्या है, पूरा राउंड नहीं होता है ना, जहाँ पे एप्पल का टॉप और बॉटम में हल्का सा गड्ढा सा होता है. तो एप्पल में जैसे गड्ढा सा होता है ना, इस तरीके का कुछ शेप होता है एप्पल में, राइट? तो अर्थ में ऐसा हॉलो नहीं होता, अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटेंड. इस तरह से जो है शेप है अर्थ का, पोल्स के टाइप, पोल्स के साइड अर्थ हल्का सा फ्लैट शेप है, और इसीलिए इस स्पेशल शेप को हम जियोइड बोलते हैं. इस स्पेशल शेप को हम जियोइड बोलते हैं, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है, ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा नॉलेज है. अब अगर कोई आपसे पूछे कि अर्थ का शेप कैसा है, तो आप बोलेंगे कि अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप एंड दिस शेप इज स्पेशली नोन एज जियोइड, ओके? अब हम पढ़ेंगे ग्लोब के बारे में. आप सभी ने ग्लोब देखा होगा, है ना, बचपन में या अपने स्कूल्स में. यू मस्ट हैव सीन ग्लोब. इट्स अ बिग बॉल काइंड ऑफ अ ऑब्जेक्ट, और जिसमें सारे कंट्रीज के मैप्स बने रहते हैं, राइट? तो आज हम ग्लोब के बारे में पढ़ते हैं. अ ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ अर्थ. इफ यू सी द अर्थ एंड द ग्लोब, देन यू विल फाइंड मेनी सिमिलैरिटीज. ग्लोब जो है अर्थ का ही एक रेप्लिका है, ठीक है? द ग्लोब रिप्रेजेंट्स ऑलमोस्ट अर्थ परफेक्टली. अर्थ को ऑलमोस्ट परफेक्ट तरीके से ग्लोब रिप्रेजेंट करता है. मतलब अगर हमें अर्थ के बारे में स्टडी करनी है, तो फिर हम ग्लोब की मदद ले सकते हैं. द ग्लोब इज ऑलवेज माउंटेड ऑन अ एक्सल स्टैंड. अब ये जो है स्टैंड, दिस इज कॉल्ड एन एक्सल स्टैंड, ठीक है? हमेशा ग्लोब ऐसे स्टैंड पर फिट किया जाता है. द एक्सिस टिल्ट इज सेम एज द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस. जैसे अर्थ अपनी एक्सिस पे हल्का सा झुका हुआ है, एग्जैक्टली वैसे ही अगर आप ध्यान से देखें तो ग्लोब भी अपनी एक्सिस पे हल्का सा झुका हुआ है. ऑलराइट, इट शोज वेरियस फीचर्स ऑफ द अर्थ लैंडस्केप सच एज कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस ऑन द अर्थ. We can see only half of the globe at a time. अब जब हम ग्लोब को स्टडी करते हैं, तब सामने से हम ग्लोब का सिर्फ हाफ ही देख सकते हैं.
अगर हमें अदर हाफ देखना हो, मतलब बाकी का हिस्सा देखना हो, तो हमें ग्लोब को रोटेट करना पड़ेगा या ग्लोब को टर्न करना पड़ेगा. वी हैव टू टर्न इट अराउंड. क्लियर? सो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोब? दो, ग्लोब एक परफेक्ट रेप्लिका है, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो ग्लोब में भी होंगी. अब क्या प्रॉब्लम्स है ग्लोब में? लार्जर ग्लोब्स आर हैवी एंड डिफ़िकल्ट टू हैंडल. बड़े बड़े ग्लोब्स को हम अपने साथ कैरी करके नहीं लेके जा सकते, क्योंकि वो काफ़ी भारी होते हैं और आप उसे आसानी से अपने साथ कैरी नहीं कर सकते. द ग्लोब डज नॉट शो डिटेल ऑफ लैंडफॉर्म, लोकेशन ऑफ स्मॉल टाउन्स एंड अदर सच इन्फॉर्मेशन. अब ग्लोब कितना बड़ा हो सकता है? अर्थ तो बहुत बड़ा है, लेकिन ग्लोब तो उसका एक स्मॉल रेप्लिका है ना, जस्ट एक छोटा सा पॉइंट है, तो उसमें तो इतना ज़्यादा वो नहीं हो सकता कि हर प्लेस को बारीकी से दिखाया जा सके. हर प्लेस को बारीकी से दिखा पाना बहुत मुश्किल है, राइट? तो इसीलिए ये भी एक समस्या है कि ग्लोब है तो अर्थ का ही रेप्लिका, लेकिन उस पर हम ज़्यादा डिटेल्स नहीं जान सकते. दे डू नॉट शो द इंटायर अर्थ एट वंस. हम पूरे अर्थ को एक ही बारी में नहीं देख सकते, हमें बार बार टर्न करना पड़ता है, राइट? इट इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू टर्न इट अराउंड एट टाइम्स. ग्लोब को रोटेट करना, टर्न करना कई बार डिफ़िकल्ट हो जाता है. इवन ऐसे प्रोसेस में ग्लोब गिर के टूट भी जाता है, उसको परेशानी भी होती है. इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी प्रिजर्व्ड ऑन द ग्लोब. प्लस आप ग्लोब में कुछ भी अपना पॉइंट, इंडिकेटर या मार्किंग नहीं कर सकते, अदरवाइज लेटर ऑन वो किसी और के लिए कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है. सो दैट इज़ वाई यू कैन नॉट डू एनी काइंड ऑफ मार्किंग ऑन द ग्लोब. तो ये सारी जो हैं ग्लोब के थोड़े बहुत नुकसान हैं या डिसएडवांटेजेस हैं, जिसकी वजह से ग्लोब को, दो इट इज़ अ पॉपुलर मीडियम टू स्टडी अर्थ, लेकिन इतना ज़्यादा हम इधर उधर लेके नहीं जा सकते. ऑलराइट? सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी क्रिएटेड मैप्स. ठीक है, MAP, दैट इज मैप. मैप का मतलब होता है मानचित्र. ठीक है, किसी भी जगह की इंफॉर्मेशन को ड्रॉ करके या फिर सिंबल्स और साइन के थ्रू रिप्रेजेंट करने को हम मानचित्र बोलते हैं, यानी मैप बोलते हैं. लेट अस स्टडी अबाउट मैप. एज यू कैन सी, दिस इज द मैप ऑफ इंडिया, अ पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया. चलिए पढ़ते हैं. अ मैप इज अ ड्रॉइंग ऑफ द वर्ल्ड और इट्स स्पेसिफिक एरिया ऑन अ फ्लैट सरफेस और पेपर. मैप क्या है? मैप वर्ल्ड का या वर्ल्ड की एक पर्टिकुलर जगह का ड्रॉइंग है, और ये ड्रॉइंग जो है हम फ्लैट सरफेस पे करते हैं. ठीक है, या तो ये पेपर पे किया जाएगा, या फिर वॉल्स पे किया जाएगा, या फिर कोई भी ऐसा सरफेस जो कि फ्लैट है उस पर हम मैप्स ड्रॉ कर सकते हैं. मैप शोज इम्पॉर्टेंट डिटेल ऑफ एरियाज वेरी वेल. अब मैप के थ्रू हम हर एक जगह की डिटेल्स, बारीक से बारीक या छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन को शो कर सकते हैं पेपर पर. दे आर ऑल्सो कन्वीनियंट टू कैरी. हम इन्हें आसानी के साथ अपने साथ लेके जा सकते हैं. अगर बड़े मैप हैं उनको रोल कर लो, अगर छोटे मैप्स हैं तो उनको फोल्ड करके फाइल में रख लो या जेब में रख लो. तो इसीलिए ये बहुत आसानी से आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं. अ मैप इज़ गिवन बिलो एज एन एग्जाम्पल. अब मैप क्या है ये आप समझ सके, इसके लिए एक मैप दिया हुआ है. सी, दिस इज़ द मैप ऑफ इंडिया एंड दिस इज़ अ पॉलिटिकल मैप. इसमें इंडिया के जितने भी राज्य हैं यानी स्टेट्स हैं उन सब को मार्क किया गया है. Isn't it beautiful? Let's proceed further. An atlas is a collection of map in form of book. It has a variety of map. आप सभी ने स्कूल में बुक देखी होगी जिसमें बहुत तरह तरह के मैप्स रहते हैं, है ना, अलग अलग कंट्रीज के मैप, अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस के मैप्स. इसे हम एटलस बोलते हैं. ठीक है, एटलस एक बुक होती है जिसमें बहुत सारे मैप्स एक साथ कलेक्ट करके दिए होते हैं ताकि आप स्टडी कर सके. सो व्हाट इज एन एटलस? एन एटलस इज अ कलेक्शन ऑफ मैप इन द फॉर्म ऑफ बुक. क्लियर? जब हम बहुत सारे मैप्स को एक साथ कंबाइन करके बुक के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, दैट इज नोन एज एटलस. ऑलराइट, नाउ लेट्स टाइप अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप. मैप तरह तरह के होते हैं, तो आइए जानते हैं कौन कौन से मैप हैं और उनसे हमें क्या नॉलेज मिलती है. There are different types of maps available. First of all, physical maps.
Maps which depict physical features like mountains, plateaus, plains, river, oceans, etc. जो maps ऐसे maps हैं जिनमें हम सिर्फ जो हमारा फिजिकल नेचर है उसके बारे में जान सकते हैं. जैसे इंडिया में हमें अगर पता करना हो कि कितने पहाड़ हैं, कहाँ कहाँ पर वो पहाड़ लोकेटेड हैं, तो उसके लिए फिजिकल मैप ही बेस्ट है. ऐसे ही अगर हमें इंडिया में पता करना हो कि कितनी नदियाँ और किस किस जगह में वो नदियाँ बह रही हैं, तो वो भी फिजिकल मैप के थ्रू हम इजीली समझ सकते हैं. ऑल राइट, सो इसीलिए जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं उनको पढ़ने के लिए हम फिजिकल मैप यूज़ करते हैं. नेक्स्ट कम्स द पॉलिटिकल मैप्स, मैप्स विच शो अस डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड स्टेट्स विद देयर बाउंड्रीज. ऐसा मैप जिसमें अलग अलग राज्य, अलग अलग देश अपनी अपनी बॉर्डर्स या बाउंड्रीज के साथ शो कर रहा हो, उसे हम पॉलिटिकल मैप बोल रहे हैं. जैसे कि लेट्स गो अ बिट बैक, अगर हम पीछे पेज टर्न करें तो देख रहे हैं आप, इसको पॉलिटिकल मैप इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे इंडिया के अलग अलग राज्य जो हैं दिखाए गए हैं और इन सभी राज्यों का बाउंड्री यानी बॉर्डर भी दिखाया गया है. कैन यू सी दीज आर द बॉर्डरिंग लाइन्स. हर राज्य का जो है बॉर्डर अलग अलग तरीके से दिखाया गया है. इससे हमें पता चलता है कि कौन सा राज्य कितना बड़ा है, कितना छोटा है और कितने एरिया में फैला हुआ है. ऑल राइट, सो दिस इज कॉल्ड अ पॉलिटिकल मैप. क्लियर, आगे बढ़ते हैं. नाउ वी कम टू थर्ड काइंड ऑफ मैप, दैट इज थीमेटिक मैप. थीमेटिक मैप का मतलब होता है एक ऐसा मैप जो कि किसी पर्टिकुलर रिलीफ फीचर को डिस्क्राइब कर रहा हो या फिर किसी पर्टिकुलर थीम पे आधारित हो. जैसे मान लीजिए हमें कहीं पे पता करना है कि किस तरह के पेड़ इस एरिया में उगते हैं, तो उसके लिए थीमेटिक मैप है. वो ट्रीज़ को रिप्रेजेंट करता हुआ मैप है कि इस एरिया में इस तरह के ट्रीज़ उगते हैं. ऐसे ही अगर हमें पता करना हो कि इस पर्टिकुलर एरिया में कौन कौन से टेक्सटाइल मिल्स हैं, यानी कौन कौन से तरह के कपड़ों का प्रोडक्शन होता है या किस तरह की फसल उगती है, किस तरह के फूड क्रॉप्स उगाए जाते हैं, तो इन सब को हम थीमेटिक मैप बोलेंगे क्योंकि ये एक पर्टिकुलर थीम को डिस्क्राइब कर रहे हैं. मैप्स विच फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हमें देते हैं, सच एज रेनफॉल, वेजिटेशन एट्सेट्रा, आर नोन एज थीमेटिक मैप्स. Suitable titles are given on the basis of information provided in these map. और thematic maps को हम अलग अलग titles दे देते ताकि हमें easily पता चले. जैसे for example, अगर rainfall का show कर रहा है map, तो हम देंगे title rainfall in different parts of India या rainfall in different parts of world. ऐसे ही अगर हम vegetation या food crops show कर रहे हैं तो फिर we will write that major food crops grown in the world or major fruit crops grown in India. Clear? Signs and symbols. हमने पढ़ा था कि इस चैप्टर में हम साइन और सिंबल्स के बारे में भी पढ़ेंगे. जब हम मैप बनाते हैं तो मैप पे हर छोटी छोटी चीज़ लिखेंगे तो वो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा. प्लस बहुत बड़ा मैप हर जगह लेके जाना मुश्किल है. छोटे से मैप में हमें कई चीज़ें जब रिप्रेजेंट करनी होती हैं तो हम क्या करते हैं, हम चीज़ों को साइन या सिंबल्स के थ्रू समझाते हैं. लेट्स स्टडी हाउ. इफ यू सी अ मैप क्लोजली यू विल फाइंड वेरियस साइंस एंड सिंबल्स डिपेक्टिंग रिवर्स, रोडवेज, रेलवेज, टेम्पल्स, स्कूल्स एट्सेट्रा. अगर हम कोई मैप बहुत ध्यान से जूम करके पढ़ेंगे या मैग्नीफाई करके पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि उन मैप्स में अलग अलग तरह के साइंस और सिंबल्स हैं. रिवर के लिए अलग सिंबल है, टेंपल के लिए अलग सिंबल है, रोड्स के लिए अलग सिंबल है. ठीक है, इसी तरह कई सारी चीज़ों के लिए अलग अलग सिंबल्स होते हैं. इन सिंबल्स को हम कन्वेंशनल साइन के नाम से जानते हैं. ऑल राइट, सो इन्हें हम कन्वेंशनल साइंस के नाम से जानते हैं. क्लियर. Each map contains a key or a legend to help us understand symbol used in it. हर मैप में नीचे या ऊपर की तरफ एक पर्टिकुलर टेबल रहता है जहाँ सिंबल्स के बारे में हम मेंशन कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक ट्राइंगल के थ्रू माउंटेन दिखा रहे हैं तो ऐसे ट्राइंगल बना के हम यहाँ लिख देंगे कि दिस इज
माउंटेन। ठीक है, ऐसे ही अगर हम किसी फ्लावर को दिखा रहे हैं फॉर शोइंग अ पर्टिकुलर फ्लावर ग्रोन इन दैट एरिया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि कौन सा फ्लावर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं दिखाना चाहती हूँ कि इस एरिया में मेरीगोल्ड फ्लावर्स कितने उगते हैं, तो मैं ऐसे फ्लावर बना के रिप्रेजेंटेशन कर दूंगी। ठीक है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। ऐसे ही जो कॉमन साइंस एंड सिंबल हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। ऑल राइट, लेट अस स्टडी। अगर हमें फोर्ट दिखाना है तो हम ये सिंबल यूज़ करते हैं, चर्च दिखाना है तो ये सिंबल यूज़ करते हैं, टेम्पल दिखाना है तो ये सिंबल यूज़ करते हैं, रेलवे स्टेशन के लिए ये सिंबल यूज़ करते हैं। तो एज यू कैन सी अ लॉन्ग लिस्ट इज गिवन, जिसमें तरह तरह के अलग अलग चीज़ों का सिंबल और साइन दिया हुआ है। इनसे हम मैप्स को बहुत ईजीली पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। क्लियर, नाउ लेट्स मूव फर्दर। कलर्स इन मैप्स। अब मैप्स कलरफुल भी होते हैं, जैसे हमने याद करो अभी थोड़ी देर पहले पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया देखा था, वो काफ़ी ब्राइट और कलरफुल था। अलग अलग राज्य को हमने अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट किया था। सो कलर्स ऑल्सो प्ले अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट रोल व्हेन वी डिज़ाइन अ मैप। ऑलमोस्ट ऑल मैप्स फॉलो अ कॉमन कलर स्कीम। फॉर एग्जाम्पल, ग्रीन कलर इन मैप रिप्रेजेंट प्लेन्स, जहाँ पे हरा कलर होगा वो प्लेन्स का रिप्रेजेंटेशन करेगा। वेयर एज येल्लो रिप्रेजेंट डेजर्ट्स, और येल्लो कलर क्या दिखाएगा, जहाँ पे सूखा है। ठीक है, माउंटेन्स एंड हाईलाइंस आर रिप्रेजेंटेड बाई ब्राउन कलर, यानी कोई अगर हमें पहाड़ दिखाना है या हिल्स दिखाने हैं, इनको हम यूजुअली ब्राउन कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड ओशन एंड ओशन वाटर बॉडीज आर रिप्रेजेंटेड बाई शेड्स ऑफ ब्लू, यानी जहाँ पे भी पानी या फिर पानी से रिलेटेड कोई चीज़ दिखानी है, वहाँ पे हम ब्लू कलर के डिफरेंट डिफरेंट शेड्स यूज़ करते हैं। नाउ अनदर वेरी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैप, दैट इज डायरेक्शन एंड स्केल। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Directions are very important to study the map. They are used to correctly locate it, place on map. Directions का इसलिए हमें बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमें ये नहीं पता होगा कि कौन सी जगह किस direction में है, तो हम map में ढूंढते ही रह जाएंगे या फिर गलत map design कर देंगे। इसीलिए directions का map में पता होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे 4 cardinal directions कौन से हैं, हमारे 4 मेन कार्डिनल डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, सो देयर आर 4 डायरेक्शंस ऑन अ मैप। किसी भी मैप में 4 प्राइम डायरेक्शंस होते हैं, दे आर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। दे आर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, जैसा मैंने आपको बताया बिल्कुल वैसा ही। ठीक है, हम इन्हें यूजुअली इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल राइट, जो ऊपर की एरिया है दैट इज नॉर्थ, जो नीचे है दैट इज साउथ, दिस साइड इज ईस्ट एंड दिस साइड इज वेस्ट। ऑल राइट, नॉर्थ ईस्ट, बिटवीन द नॉर्थ एंड ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर जितनी भी जगह होगा इसे हम नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। साउथ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में जो जगह है उसको हम साउथ ईस्ट बोलेंगे। ठीक है, इसको बोला हमने नॉर्थ ईस्ट और इसको हमने बोला साउथ ईस्ट। क्लियर, इसके अलावा साउथ वेस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में जितना भी एरिया है उसको हम बोलेंगे साउथ वेस्ट। और नॉर्थ वेस्ट, जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में एरिया आ रहा है उसको हम बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से हम डायरेक्शंस के थ्रू जगह या किसी पर्टिकुलर एरिया को लोकेट करते हैं। क्लियर, स्केल, व्हाट इज अ स्केल। सी, स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट मैप्स। ग्लोब, हमने बोला था कि ग्लोब का एक डिसएडवांटेज है कि इतनी बड़ी धरती को
ग्लोब के थ्रू रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इतना बड़ा, धरती बहुत बड़ी है, यानी हमारी पृथ्वी बहुत बड़ी है, और उतना बड़ा ग्लोब बनाना बहुत मुश्किल है, है ना। इतना बड़ा ग्लोब ना तो हम कहीं कैरी कर सकते हैं और ना ही इतना बड़ा ग्लोब बना सकते हैं। नाउ द पॉइंट इज, हमने इसीलिए उसको छोटे फॉर्म में रिप्रेजेंट करना शुरू किया है। मैप्स जो हैं आर रिड्यूस साइज ऑफ अ प्लेस, किसी भी जगह को छोटे स्तर पे दिखा के रिप्रेजेंट करने का ही कला को हम मैप बोलते हैं, राइट। अब उसमें मैप में स्केल बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम ईजिली किसी जगह को लोकेट कर सकें। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो द साइज ऑफ ईच कंट्री एंड सिटी ऑन अर्थ ऑन द मैप। हर कंट्री की जो एक्चुअल साइज या शेप है उसको मैप पे दिखाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड कोलकाता इज़ 14,000 किलोमीटर। अब हम अगर 1400 किलोमीटर दिखाना चाहेंगे तो हमें उतना ही बड़ा मैप लेना पड़ेगा। इज़ इट पॉसिबल? इट इज़ नॉट पॉसिबल। दिल्ली एंड कोलकाता इज़ अबाउट 1400 किलोमीटर्स ऑन द ग्राउंड, बट ऑन द मैप द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटी इज़ जस्ट 14 सेंटीमीटर। अगर हम मैप में देखें तो ये आपस से सिर्फ 14 सेंटीमीटर की दूरी पर है। So we can say that the distance of 100 kilometer is represented by 1 centimeter. तो हमने एक स्केल में इसको रिड्यूस कर दिया है, हमने 1 सेंटीमीटर को हर 100 सेंटीमीटर के लिए मान लिया है। यानी कोई जगह अगर 100 किलोमीटर दूर है तो हम मैप में उस जगह को 100 सेंटीमीटर के, मतलब 100 सेंटीमीटर की जगह 1 सेंटीमीटर के हिसाब से दिखाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो कोई पॉइंट ए है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कुछ भी एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि मेरा घर मेरे फ्रेंड के घर से, मान लो मेरा घर ए का घर बी के घर से 100 किलोमीटर्स की दूरी पर है, ठीक है। अब 100 किलोमीटर मैप में ड्रॉ करना तो मुश्किल है, तो मैंने 100 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ले लिया, यानी कि मैं जब मैप में ड्रॉ करूँगी तो मैं ए और बी के बीच में 1 सेंटीमीटर की जगह दिखा दूंगी। दैट मीन्स दिस इज माई प्लेस एंड दिस इज माई फ्रेंड्स प्लेस। समझ में आ गया? दिस इज कॉल्ड द स्केल ऑफ मैप। स्केल कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द मैप एंड द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। यानी स्केल को जब हम डिफाइन कर रहे हैं ज्योग्राफी में, तो हम स्केल को डिफाइन करेंगे कि डिस्टेंस जो कि मैप पे शो कर रहा है और डिस्टेंस जो कि एक्चुअल ग्राउंड पे है, उन दोनों के बीच में रेशियो। ऑलराइट, अ मैप विदाउट स्केल इज कॉल्ड अ स्केच। अगर कोई मैप है जिसमें हमने स्केल नहीं लिया है, यानी प्रॉपर मेजरमेंट्स नहीं ली हैं, तो फिर वो सिंपली एक ड्राइंग या स्केच कहा जाएगा। ओके, नाउ लेट्स हैव 2-3 वर्ड्स दैट वी केम अक्रॉस इन द चैप्टर। ऑलराइट, तो इनको एक बार रिवाइज करने के लिए आइए एक एक करके इन्हें पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट वन इज वेंचर्ड, एन एक्टिविटी विच इज डिफिकल्ट बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द रिस्क ऑफ फेलियर। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसको करने में हमें रिस्क लगता है या डर लगता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है या रिस्की है। माउंटेड मीन्स किसी चीज़ पे रखना, यानी प्लेस्ड। लैंडफॉर्म्स मीन्स डिफरेंट फीचर्स ऑफ अर्थ सरफेस, ठीक है। प्रिजर्व मीन्स किसी चीज़ को सेफली रख देना, ताकि उसे कोई डैमेज ना हो, कोई इंजरी ना हो, या वो डिस्ट्रॉयड ना हो। क्लियर? नाउ इट्स टाइम टू डू द एक्सरसाइजेस, बट बिफोर दैट लेट अस लुक ओवर। हमने चैप्टर में काफ़ी चीज़ें पढ़ी, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट वन, द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। हमने शेप के बारे में पढ़ा था। The extreme north and extreme south points of the earth are called the poles, right? इसके अलावा the globe represents the earth almost perfectly. A map is a drawing of the world or its specific areas. And last point, all maps contain certain signs and symbols. Clear? Now it's time to do the exercises, children. देखते हैं हमें कितना समझ आया chapter. So let's get started. First one. The extreme north and extreme south of the earth are shapes, symbols, axes or poles. तो हमने अभी अभी पढ़ा था कि जो extreme end points है earth के, उनको हम poles बोलते हैं। So option number C is the correct option.
All right. Now, let's do the next one. Which of the following is a sub-direction on map? Sub-direction. देखो, four main directions तो मैंने आपको बता दी थी, east, west, north, south. Sub-direction जो दो directions को मिला के बनता है, यानी northeast, southeast, southwest, northwest. आइए देखते हैं. East, west, north, southeast. So southeast is a sub-direction. ठीक है. थर्ड वन, माउंटेन्स एंड हाईलैंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाई डैश कलर. माउंटेन्स और हाईलैंड्स को हम किस कलर से रिप्रेजेंट करते हैं? ब्राउन, ग्रीन, येल्लो, ब्लू. सी, द करेक्ट आंसर इज ब्राउन कलर, क्योंकि येल्लो कलर यूजली हम डेजर्ट्स के लिए यूज करते हैं, ग्रीन कलर फॉर द प्लेन्स जहाँ पे पेड़ पौधे बहुत होते हैं, एंड ब्लू कलर फॉर द वाटर बॉडीज. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ब्राउन कलर. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ सेंटेंसेस दे दिए हैं हमें, इन्हें फिल करके कंप्लीट करना है. सो आइए एक एक करके करते हैं. इन अर्ली टाइम्स इट वॉज बिलीव दैट अर्थ इज अ डैश इन शेप. अर्थ इज फ्लैट इन शेप. पहले लोग सोचते थे कि अर्थ राउंड नहीं है, अर्थ फ्लैट है, समतल है. ठीक है. सेकेंड वन, डैश इज द मॉडल ऑफ अर्थ. अर्थ का मॉडल क्या है? ग्लोब. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ग्लोब. थर्ड, द अर्थ इज नॉट परफेक्टली डैश. द अर्थ इज नॉट परफेक्टली स्फेरिकल. कंप्लीट स्फेयर नहीं है अर्थ, है ना? फिर पोल्स की तरफ से हल्का सा फ्लैट है ना, दैट इज व्हाई इट इज नॉट कंप्लीटली स्फेरिकल. अ डैश इज ड्रॉइंग ऑफ द वर्ल्ड. अ मैप इज. ठीक है, मैप क्या है? वर्ल्ड का एक ड्रॉइंग ही तो है. फिफ्थ, देयर आर डैश मेन डायरेक्शन ऑन द मैप. देयर आर फोर मेन डायरेक्शंस ऑन द मैप, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. वी हैव टू चेक कि क्या जो स्टेटमेंट्स यहाँ लिखे हैं ये सही है या गलत है. तो आइए एक एक करके देखते हैं. First, after 5 years, the sailors came back to the same place. No, they came back after 3 years. 3 साल बाद लौट आए थे. तो यहाँ पे लिखा है 5 years. So this is completely wrong. This is 3 years. ठीक है. So this statement is false. Next, second, there is a North Pole at the top of Earth. Yes, this is true. North Pole बिल्कुल top पर ही है. So we will write true. थर्ड वन, द ग्लोब इज ऑलवेज माउंटेड ऑन अ एक्सल स्टैंड. येस, बिल्कुल, ग्लोब हमेशा एक स्टैंड पे रहता है. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. फोर्थ, वी कैन सी द होल ग्लोब एट अ टाइम. हम पूरे ग्लोब को एक ही बारी में देख सकते हैं? नो, वी कैन नॉट सी. हम सिर्फ एक पार्ट को एक टाइम पे देखते हैं. दूसरे पार्ट को देखने के लिए हमें ग्लोब को टर्न करना पड़ता है. सो दिस इज फॉल्स. ठीक है, दिस इज फॉल्स. फिफ्थ वन, मैप शोज इम्पॉर्टेंट डिटेल्स ऑफ एवरी एरिया वेरी वेल. येस, दिस इज ट्रू. मैप्स बहुत ईजीली हर एरिया का डिटेल हमें शो कर देते हैं. ओके चिल्ड्रन, सो आई होप दैट यू हैव नोटेड ऑल द आंसर्स एंड आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ग्लोब के बारे में, मैप के बारे में, डिफरेंट काइंड ऑफ डायरेक्शंस के बारे में. सो With this, children, we come to an end to today's session. I hope you enjoyed the chapter because we learned so many new things today, है ना? हमें कितनी चीज़ें पता चली. हमें अर्थ के पोल्स के बारे में पता चला, मैप्स के बारे में पता चला, ग्लोब के बारे में पता चला, डिफरेंट साइन सिंबल्स के बारे में पता चला. सो हम अपनी जानने की जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे. आई विल मीट यू वेरी सून with something more interesting and more informative. So stay tuned for the new video. Bye bye and take care.